प्रश्नावली 2.4 पहला सवाल है तुलना कीजिए कौन बड़ा है। आज पहला सवाल है 0.7 और 0.07 इन दोनों में हमें तुलना करना है कि कौन बड़ा है। तो पहला अंक देखना है 0 और 0 यहां दोनों अंक बराबर है। फिर दूसरा 0.1 इधर भी 0.1 इसके बाद वाला अंक देखना है 7 और 0 तो हमें यहां पता चल गया है कि 7 और 0 में 7 बड़ा है इसलिए 0.7 बड़ा है। 2.03 और 2.30 में कौन बड़ा है तो 2.30 सात पैसे को रुपए में बदलना है तो एक रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 7 पैसे में कितने रुपए होंगे तो 100 का भाग देंगे 7/100 बराबर 2 स्थान छोड़कर 0.5 लगाना है तो 7 यहाँ पे 1 स्थान और बनाना है यानी अर्थात 0 आएगा 0 के बाद 0.5 आएगा 0.07 रुपये हो जाएंगे। 47 किलोमीटर 75 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 47 किलोमीटर है इसलिए इसको बदलेंगे नहीं 75 मीटर को हमें बदलना है मीटर में तो 75/1000 क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो यहाँ पर 47 का 47 प्लस 75/1000 है तो 3 स्थान छोड़कर 0.5 लगाना है तो 75 में 2 अंक होते हैं तीसरा अंक हमें बनाना पड़ेगा 0 उसके बाद 0.5 लगाना है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 47.075 किलोमीटर आ जाएगा। तीसरा है निम्न 0.5 को विस्तारित रूप में लिखिए इनको हमें विस्तारित रूप में लिखना है तो 25.03 इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे 25 यहाँ पे 2×10 25.03 को हमें विस्तारित रूप में लिखना है तो विस्तारित रूप में इस प्रकार लिखेंगे 2×10 + 5 तो 2×10 किया तो 20 हुए 20 में 5 जोड़कर 25 अब 0.5 के बाद 0.3 है तो 0 दाही के स्थान पे है इसलिए हमें 0/10 लिखा प्लस 3 सौवे स्थान पे है इसलिए 3/100 आ जाएगा। तीसरा सवाल 205.1 तो 205 तो 200 पहले 2×100 200 हो गए प्लस 5 के लिए 0×10 0 का 10 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा 5×1 5×5 इन तीनों को जोड़ेंगे तो 205 हो जाएंगे प्लस 3 है तो 3 दहाई के स्थान पर है तो 3/10 इसमें आंसर हमारा आ जाएगा। चौथा सवाल है 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है संख्या में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 34.82 तो 3 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो 3 लिखा 3 के बाद 1 अंक है तो 10 दशमलव के बाद 10 और 2 अंक इधर है तो 20 यानी अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 30। 24.203 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 3 कहाँ है 1000 स्थान पर है इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे है तो 3×1/1000 3×3 और 1000 का 1000 आ जाएगा। पांचवा सवाल हमारा है पारस के पिताजी सब्जी मंडी से 7 किलो 250 ग्राम हरी मिर्च 15 किलो 750 ग्राम टमाटर और 950 ग्राम धनिया लाते हैं तो कुल कितनी सब्जी लाएं तो कुल जहां भी आता है उसे हमें जोड़ना है इस प्रकार हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 23 किलो 950 ग्राम कुल वजन सब्जियों का हो जाएगा।